हेलो एंड वेलकम टू दी सी एस आर जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इम्पैक्ट सफर कामयाबी का सीजन वन इन एसोसिएशन विद सकर्नी प्लास्टर एंड हमारे फैशन पार्टनर हैं द फाइनेस्ट साइड ऑफ फैशन जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी जुगनों कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते मैं हूं अमन जतन वर्मा हमारे प्रोग्राम सफर कामयाबी का के जरिए हम आपको समाज और उद्योग जगत के ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कड़े संघर्ष के बाद कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं मुश्किलों का सामना तो उनको भी करना पड़ता है लेकिन उनका हौसला कभी डगमगाता नहीं है हर चुनौती उनके लिए एक मौका लेकर आती है देश समाज और लोगों की भलाई के लिए कुछ अलग करना कुछ बड़ा करना ही उनका एकमात्र मकसद होता है अपने विजन कड़ी मेहनत और लगन के दम पर वो कामयाब भी होते हैं और फिर दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं ऐसे ही कामयाब लोगों में से एक हैं सी ए डॉक्टर राजीव गुप्ता जो कि एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं राजीव को एजुकेशन क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के तौर पर जाना जाता है दिल्ली के अशोक विहार इलाके में स्थित गोल्डन बेल स्कूल के डायरेक्टर हैं राजीव जो कि देश का पहला मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड प्री स्कूल है कॉपोरेट में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में कुछ अलग करने कुछ नया करने की ठानी अपनी कड़ी मेहनत अपने जुनून के दम पर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं समाज ने भी उनके योगदानों को पहचाना उसको सम्मान दिया एजुकेशन क्षेत्र में इनोवेशन के जरिए बदलाव के लिए मैन विद डिफेंस और लैंटर्न ऑफ नॉलेज जैसे अवार्ड समेत कई दूसरे अवार्ड से भी राजीव को सम्मानित किया गया है देश के एजुकेशन सिस्टम पर राजीव ने एक किताब भी लिखी है थैंक यू राजीव जी आपने अपना समय निकाला और आप यहां पे आए आपसे बहुत सारी बातें करनी है आ, लेकिन जितना सफर अब तक आपने तय किया है आ, वो विजुअल्स में हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं उसके बाद सवालों का जो सिलसिला है वो हम चालू करेंगे आइए देखते हैं बहुत खूब बहुत खूब आई थिंक ये एक uh, कमाल की फीलिंग होगी ना कि आप uh, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे उनके साथ आप uh, मिले हैं उनके साथ समय आपने बिताया है uh, पिक्चर आपने क्लिक की है जी ऑलवेज अ नाइस मीट फीलिंग व्हेन यू मीट द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जी एंड आई बीन ब्लेस्ड कि मैं पिछले चौदह सालों से अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम के थ्रू तकरीबन सारे प्रदेश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मिल चुका हूँ पिछले चौदह सालों से या डॉक्टर कलाम डॉक्टर मुखर्जी मिसेस पाटिल मिस्टर मोदी मिस्टर, मिस्टर मनमोहन सिंह श्रीमती सोनिया गांधी मिस्टर केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ तो तो दिल्ली बिहारी तो कोई भी नाम है जो आपने छोड़ा ही नहीं सफर जारी है सर चलिए इस सवालों का जो सिलसिला है आपके बारे में बहुत कुछ जानना है शुरुआत करते हैं आपके परिवार और आपका जो एजुकेशन रहा है दोनों के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिएगा प्लीज आई एम बिन ब्लेस्ड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे पिताजी मिस्टर हरिराम गुप्ता एंड मेरी माता जी. उन लोगों ने हमें सरल शब्दों में एक बहुत ही हम मध्यम परिवार से हम लोगों का जन्म हुआ था उन्होंने हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जिंदगी के अंदर कि किसी को धोखा ना दें जी. और शिक्षा को इम्पोर्टेंट दें एजुकेशन इज लाइफ जी एजुकेशन करने के बाद आपको जो रात को नींद आती है सोने की जी वो खुशी जो है और किसी प्रोफेशन में नहीं है तो एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप जो मर्जी करिए दूसरा किसी को धोखा ना दें तो वो सचिव रहे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छा सी जिसको हम बोलते हैं तो वह सेक्रेटरी सी बी तो हम लोगों को स्टार्टिंग से ही एक एम था कि कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेनी है जिससे हम अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएं। और हम लोग प्रोफेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड और माता पिता को ही हम अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में अभी हम और मेहनत करना चाहते हैं ताकि उनका नाम रोशन कर सकें पूरे देश में आ, एक और बात मैंने आपके बारे में सुनी है कि कॉर्पोरेट में अच्छी खासी आपकी नौकरी थी और वो नौकरी छोड़कर एजुकेशन के जो क्षेत्र में आप, आप आए कुछ अलग, कुछ अलग नया करने का जुनून आपके मन में में था तो ये जो एजुकेशन आने की जो प्रेरणा है अपने आप हुई या सडनली कोई एक इंसिडेंट हुआ yes. या कोई हादसा हुआ yes. जिसकी वजह से आपका मन बदल गया मैं जी जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें कार्यरत था तो उसमें आप काम करते थे वो काम आपने छोड़ा आई वॉज वर्किंग इन द इंटरनेशनल फाइनांस डिवीजन और उसी दौरान हमारे पिताश्री रिटायर हुए फ्रॉम सेक्रेटरी सी बी एस ई पोस्ट से तो ये इंसिडेंट हुआ कि वो रिटायर हुए उनका एक ड्रीम था कि एक स्कूल खोलना ऐसा स्कूल खोलना जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे सके इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव कॉर्पोरेट जगत से एजुकेशन लाइन में आना मैं अपने आप को इसका एक्सीडेंट बोलता हूँ इट वॉज़ अ चांस जो सफ़र 2003 में शुरू हुआ मेरा उस टाइम मैंने जॉब छोड़ा और एजुकेशन लाइन पापा का सपना पूरा करने के लिए आप ये दावा करते हैं कि आपका जो स्कूल है अंतरराष्ट्रीय लेवल में जिस तरह की एजुकेशन पेश करेंगे या जो कुछ करेंगे तो ये, ये कैसे होगा और किस तरह से आप करने पते जी पते हैं। सर। so, मेरे स्कूल का नाम है गोल्डन बेल्स जी अंतरराष्ट्रीय स्तर को हम बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्कूल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है होता वह करिकुलम का हाँ, उसको है। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए जी मेरा मानना यह है स्कूल इज नॉट फॉर टीचिंग स्कूल इज फॉर लर्निंग जी टीचर टीच teach करती है पर जब तक बच्चे को समझ नहीं आता उसकी टीचिंग इज ऑफ नो यूज तो बच्चे के हिसाब से अगर टीचर अपना करिकुलम पढ़ाए देखिए पूरे इंडिया में सेम ही करिकुलम है उसको पढ़ाने का तरीका अलग है तरीका वो होना चाहिए जो बच्चे को समझ आए तो मैंने सिर्फ टेबल को चेंज किया है टीचर के माध्यम से नहीं बच्चे के माध्यम से एजुकेशन होनी चाहिए जो कि सेंटर पॉइंट होना चाहिए एजुकेशन का टीचर हो या पेरेंट हो या स्कूल हो या मैनेजमेंट हो या बिल्डिंग हो एवरीथिंग शुड बी फोकस ऑन दी चाइल्ड हु इज गोइंग टू द स्कूल और चाइल्ड अगर सेंटर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा तो हमारे स्कूल में हर बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन जाने, जाने की, की जरूरत नहीं क्यों होती जब आठ घंटे बच्चा स्कूल में डेली जाता है बार? तो फिर इसको ट्यूशन क्यों जाना पड़ता है अगर स्कूल में टीचिंग बच्चे के हिसाब से लर्निंग में कन्वर्ट हो जाए तो वो टीचिंग और लर्निंग का जो गैप हमारी इंडिया कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है वो खत्म हो जाएगा और हर चाइल्ड स्कूल जाना चाहेगा और हर चाइल्ड बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होगा जो कि हमारे देश के बच्चे बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। जो ये बात कही है उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे स्कूल की तो सारी टीचर <laughs> क्योंकि और बाकी जितने भी लोग पढ़ाते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सब आप ही की तरह सोचें तो आई एम श्योर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो दुनिया के ग्लोबल सिटीजन एक तरह से बन जाए ग्लोबल सिटीजन और जब ही होंगे जब हम एजुकेटेड होंगे मेरा लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचे क्योंकि मैं मानता हूँ इंडिया टीच नहीं करती इंडिया करिकुलम फिनिश करती है जी इसके लिए मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं नहीं बट ये बात सही है दे डोंट टीच क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम

उसको तो कोई सुनता ही नहीं है तो मैं कहता हूँ बच्चे के हिसाब से करिकुलम बनाए। टीचर को मुझे अब हर एक बच्चे की सोच, उसके, आ, आ, समझने का तरीका स्पीड ऑफ लर्निंग सब अलग होगी एग्जैक्टली exactly, सर बच्चे बन के ही हम टीचर बन सकते हैं जब तक हम बच्चों के माइंड को नहीं स्टडी करेंगे हम टीचर नहीं बन सकते एक चैप्टर को क्लास में फिनिश कराना और एक चैप्टर को क्लास में समझाना दोनों में बहुत डिफरेंस है तो टीचिंग और लर्निंग का जो गैप जिस दिन उस टीचर को समझ आ जाएगा तो एक एक स्टूडेंट अगर एक चीज को आधे घंटे में समझ है और एक दूसरा स्टूडेंट है जो जिसको दो दिन लगते हैं जी फिर आप आ, कैसे बहुत अच्छा है? सवाल किया आपने। इसके लिए मैं बोलता हूँ तीन तरीके से हम लर्न करते हैं चीज़ को एक होता है कैनासैटिक जिसको बोलते हैं लिख के याद करना एक होता है ऑडिटरी जिसको बोलते हैं सुन के याद करना के। एक होता है विजुअल जिसको बोलते हैं देख के याद करना आपने भी देखा होगा आपने भी सुना होगा आपने भी बच्चे रहे होंगे जब आप अपने जिस प्रोफेशन में भी हैं कुछ लोग बोल बोल के याद करते हैं कुछ लोग मग करके याद करते हैं और कुछ लिख के याद करते हैं टीचर अगर तीनों तरीके से क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट को पढ़ाए तो तीनों तरीके से बच्चे समझ सकते हैं उसको तो यही सिस्टम तो है यही कि तीन तरीके तीन हैं तीन तरीके ही भगवान ने दिए लर्निंग 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 बाय 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 काइनेसेटिक्स डूइंग ऑडिटरी लिसनिंग एंड विजुअल सीइंग तो अगर हम तीनों तरीके से क्लास में हर चीज को पढ़ाएं तो तीनों तरीके के बच्चों से लर्निंग स्टाइल इंप्रूव हो जाएगा जहां लर्निंग इंप्रूव हो गई टीचिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी जो आपने जिक्र किया मेरी बुक उसका नाम है नूर द लॉस्ट आइडेंटिटी जो आने वाली है नूर एक ऐसा बच्चा है जो पूरे देश में हर बच्चा अपने आप को रिलेट कर सकता है उस बच्चे के मन में इतना स्ट्रगल एंड इतना टेंशन चल रहा है मुझे पढ़ना है मुझे समाज के सामने कैसे रहना है मुझे स्कूल में कैसे रहना है मेरे को पेरेंट के सामने कैसे रहना है बायोलॉजिकल चेंजेस हैं मोबाइल है इंटरनेट है, है सब कुछ है इतनी सारी चीज़ों के साथ बच्चा जब 14, 15, 16 या टीन एज और टीनेज एज में आता है तो उसके अंदर इतना सारा वॉल्कैनिक करप्शन चल रहा होता है तो उस बच्चे की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है उसको ये नहीं पता कि मुझे बनना क्या है उसको बोला जाता है कि तुम तो तो साइंस लो या कॉमर्स लो या ह्यूमैनिटीज लो तो वो आइडेंटिटी जब बच्चे की लॉस हो जाएगी तो बच्चा फिर आगे सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में वो लीडर कभी बनेगा ही नहीं वो हमेशा रिग्रेस्ट लाइफ में रहेगा इसलिए दो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एच की दो सर्वेस कहती हैं इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस कंट्री इन वर्ल्ड अच्छा ये हमारा फैक्ट है सेकेंड नंबर ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया इज मैक्सिमम इन वर्ल्ड ये आंकड़े जानने के बाद भी अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज नहीं होता कंट्री का तो वी आर गोइंग नोवेयर वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर आप लोगों को ये बताइए मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब पहले हम तीस साल पुराने चले जाते हैं तो हम बोलते थे कि दिस बॉय इज इंटेलिजेंट एंड बॉय इज नॉट इंटेलिजेंट जी तीस साल पहले एक थ्योरी आई मल्टीपल इंटेलिजेंस की जिसमें ये बोला गया कि आप बहुत सारी चीज़ों में इंटेलिजेंट हो सकते हैं जी तो हर बच्चा मल्टीपल इंटेलिजेंट है हमें उसकी इंटेलिजेंस जाननी चाहिए एक अपर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज बहुत दी है भगवान ने एक बच्चे जी, को जी। वो अपॉर्चुनिटीज अगर हमें पता चल जाए तो वी बिकम अ मल्टीपल इंटेलिजेंट पर्सन और उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के बाद अगर आप उसको उसके हिसाब से टीच करें तो यू बिकम अ मल्टीपल इंटेलिजेंट स्कूल Hmm. तो मेरे स्कूल के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम बच्चों का फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड ब्रेन मैपिंग करते हैं oh. और उसके जरिए हम उस बच्चे का नेचर उसके इमोशंस उसका लर्निंग स्टाइल उसका इनबॉर्न टैलेंट hmm. किस एरिया में वो एक्सेल कर सकता है किस एरिया में वो अभी सप्रेस्ड है उसकी टैलेंट्स उस पर फोकस करके उसको टीचिंग करते हैं तो मैं इंडिया का फर्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड प्री स्कूल हूँ जो कॉन्सेप्ट इंडिया में छः साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मेरे यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वो लर्न करते हैं जी। और फिर वो बाकी आगे फॉर्मल स्कूल में जाके दे आर परफॉर्मर्स तो अगर मैं आपकी सारी टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर लू और जो तो आपके एरियाज और वीक तो ये, ये किस उम्र में बच्चा आपके स्कूल में में आता है तू प्लस तू एस, तू प्लस तू प्लस तो प्लस में आप ब्रेन ब्रेन मैपिंग और फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं इट इज थ्रू फिंगरप्रिंट्स अच्छा और उससे आप आइडिया लगा लेते हैं उससे एक रिपोर्ट निकलता है उस रिपोर्ट को हम टीचर्स को देते हैं हाँ। और वो एक पेज में पूरा हमने समअप किया है उसको रिपोर्ट को okay. और उसके अंदर उसके माँ की बेट से सीखे आया, या है. वो जो चीजें हैं ना वो भगवान ने आपको दी है दे वो दो सारे और इनबॉर्न नॉलेज एंड इन बोर्न टैलेंट हम भागते रहते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे पास नहीं है हम वो भूल जाते हैं जो हमारे पास है तो मैं सर माँ बाप को उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ जो आपका बच्चा लेकर आया है उस पर फोकस करें hmm. जो आपका बच्चा लेकर नहीं आया उसके पे फोकस मत करिए hmm. तो जो हमारे पास है उसको अगर फोकस करेंगे तो वी विल बी द ऑफ ओन लाइफ आपका रहा है कि लेट्स चेंज वे इंडिया टीचर्स जो आपने yes, yes, पहले yeah. भी बताया था तो आखिर वो कौन सा बदलाव है जो आप हमारे पूरे देश में हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं मैं सिर्फ सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी चाइल्ड जी The curriculum should be designed as per the child's hmm. performance in one academic year, ji yeah. and teacher should not be the owner of the child. Hmm. The parent should not be the owner of the child. Hmm. The teacher and parent should be the guardians and advisors to the child. Let the child बच्चे को वो करने दें जिसमें बच्चे की रुचि है। फिर yeah. देखिए इस बच्चे को फूल की तरह खिलता है वो और उसको अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेने दीजिए। hmm. The child should live, hmm. the child should not exist. Hmm. अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे स्कूल के लीडर्स ये चीज समझ जाए कि द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द दाइल्ड लेट चाइल्ड बी दॉ नॉट एजुकेशन शुड नॉट बी दॉ दाइल्ड एंड द चाइल्ड कॉज बन गया अगर तो सारा फोकस चाइल्ड के ऊपर होना चाहिए बात। फिर हम बच्चे के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे बार बार मैं बोलता हूँ बच्चों के हिसाब से पढ़ाइए hmm. और बच्चों के हिसाब से पढ़ाना बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ स्कूल और में, में और अपने और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने स्कूल के थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं फ्रेंचाइजिंग क्यों नहीं करते हैं गोल्डन मेमल्स की मैंने कहा नहीं क्वालिटी जब ही बनेगी जब आप हंड्रेड देंगे अपना फ्रेंचाइजिंग देने से क्या है कि इट तो विल बिकम अ कमर्शियल एंगल तो मैं कमर्शल करना ही नहीं चाहता एजुकेशन को जितने भी लोग स्कूल में बैठे हैं डायरेक्टर और प्रिंसिपल की चेयर पे उनको मैं बोलता हूं कि स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू अर्न मनी स्कूल इज अ प्लेस टू गिव टू सोसाइटी एजुकेशन सेक्टर में जो बदलाव रहा है और उसमें जिस तरह से आप आए हैं तो ये जो चेंज ओवर रहा है Uh, क्या उस चेंज ओवर से आप संतुष्ट हैं या देर इज अ लॉट मोर या आपके हिसाब से और भी बहुत कुछ हो सकता है सर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है hmm. लेकिन बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं hmm. मेरी तरह बहुत सारे लोग इंडिया में मैं बहुत सारे एजुकेशन सारे समिट्स में जाता हूँ बहुत सारे लोग ताली तो बजाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है अच्छा लगता है सुनना जी. और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि राजीव तूने ये बात स्टेज पे क्यों बोली इससे तेरे को बहुत नुकसान होएगा मैंने कहा मैं उनको ये बोलता हूँ कि आई डू नॉट स्पीक फॉर क्लैप्स आई स्पीक वट इज़ द ट्रुथ एंड ट्रुथ को एक्सपोज करना या ट्रुथ को लोगों के सामने लाना ही एजुकेशन है और जिसके लिए मुझे कोई शर्म नहीं है कोई डर नहीं है मैं वो बोलना चाहता हूँ जिससे एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाए तो मेरी एजुकेशन वहाँ सक्सेसफुल है अगर मेरी काउंसलिंग से एक बच्चे को अपनी राह मिल जाती है उसको ब्लू मिल जाता है अपनी जिंदगी का तो फिर मेरी जो कॉरपोरेट जॉब है और मेरी जो मनी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक बच्चे की जिंदगी अगर बन गई मेरी काउंसलिंग से तो मैं कहता हूँ ली इन दिनों जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात होती है उसका जो रुतबा है एक तरह से बढ़ रहा है क्या आप इस देश में आगे इस ऑनलाइन के हिसाब से आपने बोला कि आपको एक एप्लीकेशन स्वाध्यान तो? के नाम से अलावा हाँ कुछ और भी है जो आप कर रहे हैं या फिलहाल स्वाध्यन पूरा का, पूरा का पूरा करिकुलम हमारे देश का कवर करता है टेस्ट बनाया बच्चों के लिए जिससे ये पता चल जाता है माँ बाप आप को कि मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है जैसे मैंने पहले भी बताया था तीन तरह से हम लर्न करते हैं नौ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अगर और आपका बच्चा नौ क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है आपके सामने एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे को लर्निंग में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और आपका बच्चा बिगिनर है एडवरेज है एडवांस है प्रोफिशेंट है ऑन दी स्पॉट मेरे इंजन के थ्रू आपको ऑन दी स्पॉट चेकिंग हर वक्त अवेलेबल है, है। कि आज मैंने अगर पढ़ा एक हफ्ते के बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूं तो मैंने कितना कितना गेन किया ये होना चाहिए सिस्टम ऑफ एजुकेशन मॉक टेस्ट हैं उसके अंदर असाइनमेंट्स हैं जिसमें बच्चा अपने आप अटेम्प्ट कर सकता है अपने आप क्वेश्चन जनरेट कर सकता है वो क्वेश्चन हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से लिंक की है जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी आइडेंटिफाई होती हैं आप कौन सी इंटेलिजेंसेज में वीक हैं कौन सी में स्ट्रांग है कौन सी में एवरेज है क्वेश्चन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है जैसे सी पेपर बनाता है ईजी एवरेज डिफिकल्ट पहले आप इजी क्वेश्चंस पूरे करेंगे तो ही एवरेज पे जा पाएंगे नहीं तो नहीं जा पाएंगे और एवरेज करेंगे तो डिफिकल्ट पे जा पाएंगे नहीं तो नहीं जा पाएंगे वहां आपने लॉकिंग करा हुआ है तो वो एजुकेशन का काम सिर्फ इम्पोर्ट नंबर लाना नहीं है एजुकेशन का काम है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझें जी। पहले ईजी समझें फिर एवरेज पर जाए फिर डिफिकल्ट हाँ। जाए जिसको मैं ई एडी अप्रोच बोलता हूँ इजी एवरेज डिफिकल्ट अप्रोच ओके इसी पैमाने पे सीबीएसई का पेपर बनता है तो स्टेप वाइज अगर हम एजुकेट करें बच्चे को तो एजुकेशन के मायने समझ आते हैं नंबर्स के लिए नहीं भागना पहले समझें प्रैक्टिस करें उसके बाद उसको रिवाइज करें अटेम्प्ट करें जो दर्शक हैं जो लोग इस समय आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं कोई ऐसा वाक्य है जो आपको याद है जो आप शेयर करना चाहते हैं बहुत वाक्य हैं। दो मैं बताना चाहता हूं जो कि मैं बहुत लोगों को बताता हूं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली जी उन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया मेरी काउंसलिंग के बाद ही बिकेम एन एडवोकेट अच्छा कंट्री हेड ऑफ अ वेरी फेमस मल्टीनेशनल कंपनी अच्छा उन्होंने बोले बोला कि राजीव तुम्हारी काउंसलिंग के बाद मैंने घर जाके अपने अपनेस में से माउथ ऑर्गन निकाला जो कि 18 साल से उसमें लग गया था <laughs> और जब मैंने अपने माँ बाप को बोला था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहता हूँ तो मेरे पिताजी ने मुझे दो थप्पड़ मारे थे कि इंजीनियर बनो आज मैं इंजीनियर तो बन गया मल्टीनेशनल कंपनी का कंट्री भी बन गया लेकिन वो चीज़ अभी तक बन में है बन तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करी ही इज लिविंग इज लाइफ नाउ तो ये दो एक्सट्रीम्स मैंने आपको दिए हैं बाकी बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं भाई मैं तो चाहूँगा काउंसलिंग आप मेरी भी कर दें ये एपिसोड खत्म होगा तो मैं डेफिनेटली कुछ काउंसलिंग करूंगा शायद कुछ और बढ़िया मेरे लिए निकल जाए एक और बड़े दुख के साथ ये सवाल मुझे आपसे करना पड़ रहा है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनके एग्जामिनेशन होते हैं और अक्सर जितने भी बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं exactly. डर जाते हैं एग्जाम आ रहा है एग्जाम आ रहा है नंबर्स लाने हैं घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो प्रेशर आप पे डालते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए तो ये नहीं होगा तुम्हें तो वो नहीं मिलेगा और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं एक तरह से आत्महत्या कर लेते हैं दे टेक दे तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को अपने तरह से समझाएं कि जब प्रेशर आपके ऊपर आता है आप उसे कैसे हैंडल करें So, बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में होते हैं और इंडिया में सबसे अगर हाँ, इंडिया टॉप में है तो डिप्रेशन में है और इंडिया में टॉप है तो सुसाइड रेट ज्यादा है सबसे और वो सुसाइड रेट जो है बच्चों का टीन एज में है जो हम थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन जो टीन एज होती है उसको बोलते हैं तो बच्चों, इन बच्चों को आप क्या कहना बच्चों, है बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बच्चों जब आप पढ़ने बैठे तो नॉलेज के लिए पढ़ें समझें और उसके बाद आगे चलें कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे आगे मत जाइए माँ बाप को और टीचर्स को और ट्यूशन टीचर जो भी हैं देश में उनको बोलना चाहता हूं कि खुश करने के लिए बच्चों को मत पढ़ाएं बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाएं आपके पढ़ाने के बाद अगर बच्चे के दस में से दस नंबर आ भी जाते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को समझ आ गया होगा तो आप उसका टेस्ट रेगुलर करें असेसमेंट शुड बी फियरलेस हमारे यहाँ असेसमेंट फियर का होता है वी फियर क्वेश्चन पेपर वी फियर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन की परिभाषा वो होती है कि जो आपने पढ़ाया जिसको पढ़ाया उससे पूछें ना कि जो आपने पढ़ाया वो पूछें तो हम एग्जामिनेशन की डेफिनेशन अगर चेंज कर दें क्वेश्चन पेपर में किसके लिए बना रहा हूँ बच्चे के लिए ना hmm. तो बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए और बच्चे के मार्क्स को इंपॉर्टेंस कभी नहीं देनी चाहिए बच्चे की नॉलेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए पांच शब्दों का वर्ड है ट्रस्ट hmm. बच्चों को माँ बाप को टीचर्स को स्कूल को देश को समाज को अगर ट्रस्ट का मतलब समझ आ जाएगा hmm. तो एजुकेशन सिस्टम से फियर खत्म हो जाएगा वी शुड ट्रस्ट द टीचर द प्रिंसिपल सिस्टम वो सिस्टम जब ही बनेगा जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे और हम ट्रस्ट करते नहीं हैं हम शक करते हैं और एजुकेशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ इंटरलिंक्ड है तो पढ़ाई करें कहीं से भी पढ़ें समझ के पढ़ें मार्क्स के आने से ना तो खुश होएं ना नाराज़ होएं ना दुख मनाएं फोकस अपना रखें एक चीज़ के ऊपर कि मुझे चीज़ समझनी है फिर उसके बाद आगे जाना है अगर आप ये कॉन्सेप्ट हर चीज़ में फॉलो करेंगे तो आप कभी भी जिंदगी के अंदर मार नहीं खाएंगे चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो आपका सिर्फ दिखावे के लिए नंबर ना लाएं, समझ के आगे चलें डैट विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बींग और अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर सक्सेस की परिभाषा आप खुद अपनी लिख पाएंगे और कोई आपकी सक्सेस की परिभाषा नहीं लिख पाएगा तो ट्रस्ट इन योर नॉलेज एंड नॉलेज शुड ऑलवेज़ बी कंसिडर्ड बाय योर परफॉर्मेंस नॉट बाय योर मार्क्स राजीव जी हम चाहते हैं कि देश के एजुकेशन सिस्टम में आ, आप जो बदलाव लेके आए हैं जो शुरुआत आपने की है उसकी रोशनी देश भर में तेज़ी से फैले और तमाम बच्चों की जिंदगी में उजाला फैलाएं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे हंसते खेलते स्कूल आए हंसते खेलते स्कूल से जाएं और हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी बिताएं आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक छोटा सा तोहफ़ा हमारी तरफ से ताकि हम आपको बताएं कि इट वॉज सच ए प्लेजर कि आप यहाँ पे आए हैं ये हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो अगर आपकी भी ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है तो हमें लिख भेजिए इन्फो एट सफर डॉट कॉम पर आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारा नंबर है नौ अगर आपकी कहानी वाकई में प्रेरणा सूत्र है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी इस शो के अगले एपिसोड में जिसका नाम है द सी एस आर जर्नल प्रेजेंस ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का इन एसोसिएशन विद सकरनी प्लास्टर एंड हमारे फैशन पार्टनर हैं एप्सल्यूटो द फाइनर साइड ऑफ फैशन तब तक के लिए अपने हौसलों को बुलंद रखें और सफल होने की जी जान से कोशिश करते रहिएगा मैं अमन यतन वर्मा इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं नमस्कार सी यू नेक्स्ट